आई थी कि डुप्लीकेट पेस्टिसाइड्स जो मार्केट्स में बेचे जा रहे हैं उसकी वजह से किसानों को कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है। पहले ही कोविड की मार, ऊपर से किसानों को जिस तरह से नुकसान झेलना पड़ रहा है। बात करेंगे हम नॉर्थ कश्मीर के फार्मर्स की, रुख करते हैं हम पट्टन का, जहां पर हमारे सीनियर साथी राही निसार ज्वाइन कर चुके हैं। राही बताइएगा, एक तो मार्केट्स में डुप्लीकेट पेस्टिसाइड्स की अवेलेबिलिटी और क्या कुछ परेशानियां जो है वो फार्मर्स को झेलनी पड़ रही है वहां पर? जी बिल्कुल प्रियंका, जैसा कि हमने यहाँ पे कल भी देखा कि जो यहाँ पे साउथ कश्मीर में नकली अद्वियातों का मामला सामने आया, वहीं पे कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर हम नॉर्थ कश्मीर की भी बात करें तो यहाँ पे जो मेवा सनत से यहाँ पे जुड़े लोग हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जहनी परेशान है। कहीं अगर हम इस वक्त की सूरत हाल देखेंगे, एक साइड तो यहाँ पे कोविड महामारी और दूसरी साइड से अगर हम यहाँ पे देखेंगे मौसमियात का जो यहाँ पे हाल है, हमें यहाँ पे लगातार अगर हम एक हफ्ते से देख रहे हैं, 1 बजे के बाद या 2 बजे के बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं मौसम अपनी करवट बदल लेता है। कई जगहों पे चालाबारी और कई जगहों पे लगातार बारिश हो रही है। इस वजह से भी यहाँ पे फार्मर जहनी कुवत में पड़े हैं, क्योंकि लगातार अगर हम 2-3 सालों से यहाँ पे देखते हैं फार्मर्स के जो भी यहाँ पे मेवा सनत से जुड़े लोग हैं वो परेशान हैं। उनके बाग अगरचे वो दवाई का इस्तेमाल यहाँ पे लगातार करते हैं, कहीं ना कहीं हमने फार्मर से बात की तो उनका कहना है कि 10 से 12 स्प्रे भी अगर हम करते हैं फिर भी हमारे यहाँ पे मेवा सनत जो भी हमारे यहाँ पे ये बाग है उनमें कहीं ना कहीं यहाँ पे स्केब चढ़ती है, जिससे हमारा यहाँ पे सारा मेवा फिर नुकसान में पड़ता है और कहीं ना कहीं बाग भी अब खत्म यहाँ पे होने जा रहे हैं। तो हम इसमें ये देखते हैं, एक साइड में यहाँ पे नकली अद्वियात, कहीं ना कहीं शायद हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है यहाँ पे, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पे जिम्मेवार उसकी जिम्मेवारी बनती है, जो लॉ इन्फोर्समेंट विंग उनकी है खाली उसी के लिए वो विंग होती है ताकि वो मार्केट में जाए और वहां पे भी जो पेस्टिसाइड शॉप्स होते हैं जिनको बाजाबता तौर यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से एक लाइसेंस फराहम की होती है उनपे चेकिंग अगर वो कर लेते तो शायद ये नकली अद्वियात मार्केट में नहीं आते। मगर शायद मुझे लगता है गैप है लॉ इन्फोर्समेंट विंग की, वो शायद मार्केटों में नहीं जाते हैं और वहां पे जो दुकानदार है जिनके पास ये पेस्टिसाइड्स लाइसेंस है वो कहीं ना कहीं वो दवाएं भी बेचते हैं जो शायद यहाँ पे कश्मीर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है यहाँ पे शायद वो वहां से अप्रूव नहीं है और वही दवाएं यहाँ पे जो फार्मर्स फिर लगा लेते हैं और उनके बाग यहाँ पे खत्म होने जा रहे हैं। और साथ साथ में जो इस वक्त चालाबारी और लगातार बारिश, इस वजह से भी यहाँ पे फार्मर्स परेशान है। तो हम इस बारे में बात करेंगे यहाँ पे हॉर्टिकल्चर ऑफिसर जो इस वक्त हमारे साथ है इससे बात करेंगे, एक तो ये नकली अद्वियात का मसला और साथ साथ में उनसे ये भी एडवाइजरी हम देखेंगे कि जो लगातार इस वक्त बारिश हो रही है और चालाबारी हो रही है क्या बचने की सूरत है, कभी अगर इस वक्त कोई हम देखेंगे कहीं ना कहीं अभी फल जो थोड़ा मौजूद है क्या उसको हम बचा सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे मुश्ताक साहब, मुश्ताक साहब आपका वेलकम है न्यूज पॉइंट में, आप बता दीजिए हमें कि फार्मर्स भी परेशान है क्या करने की जरूरत है। देखिए सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हर वक्त लोगों को ये करना है कि इस वक्त जो दवाई डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी ने कश्मीर जराई यूनिवर्सिटी ने रिकमेंड किए वही लगाने हैं, इसमें आपको वही दवा जो रिकमेंड डिपार्टमेंट ने किए आप उन्हीं का छिड़काव करें। दूसरा यह है कि इस वक्त मौसम की जो फ्लक्चुएशन है इसमें आपको ये करना है कि पानी का निकास जो बागों में है जो ड्रेनेज सिस्टम है वो आपको साफ रखना है, बागों में जो घास वगैरह है आपको निकालना है ताकि आपके बाग जो साफ रहेंगे इतने आपका मेवा भी साफ रहेगा। जो इस वक्त हम देखते हैं कि नकली अद्वियात इस वक्त मार्केट में आ रहे हैं तो उस बारे में आप देखिए, मैंने आपको पहले भी अर्ज किया नकली अद्वियात इसका तो टेस्ट हो रहा है हर एक दवाई का, इसीलिए हम कह रहे हैं आप वो दवाई ले लो जो डिपार्टमेंट ने रिकमेंड किया है, जिसमें जैसे आपको हम कह रहे हैं कि आप देखो रजिस्टर्ड डीलर कौन है, ये दवाई अगर आप ले रहे हैं क्या इसका डिपार्टमेंट ने इसको रिकमेंड किया है, दवाई वाले से आप बिल्कुल प्रिंटेड बिल ले लें और उसमें आप इस दवाई का नाम, बैच नंबर और इसका मैन्युफैक्चर डेट और इसका एक्सपायर डेट वो उसमें लिखा होना चाहिए। जी प्रियंका, आप कुछ कहना पूछना चाहोगी हॉर्टिकल्चर? बिल्कुल क्योंकि साफ तौर पर देखा जा रहा है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और फार्मर्स के बीच में जो गैप है, कोऑर्डिनेशन बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या कहेंगे अगर किस फार्मर को कोई क्वेरी है आपके साथ कुछ पूछना है तो उसको लेकर वो किस तरह से अप्रोच करे, आप दोनों के बीच में जो गैप है आप उसको किस तरह से फिल करते हैं? देखिए गैप नहीं है कि हम इसको गैप नहीं कहेंगे, थोड़ा ये पेंडेमिक यहाँ पर सिचुएशन बनी है इस वजह से आपको लग रहा है कि गैप है, वरना हम जब हमको 2 दिन पहले पास इजरा किए गए हैं
तो हम हर वक्त हर गांव में जाते हैं और जहां पर भी जो भी वहां पे लोग है, चाहे वो पंचायत बाड़ी हो, यहाँ बाग वाले है, डायरेक्ट उनसे बात हो रही है और यहाँ हमारे फोन नंबर उनके पास है जो हम किसी भी वक्त फोन कर सकते हैं, फोन पे हम उनको मशवरा दे सकते हैं। इसके बारे में हमारे पास चाहे वो हमारा चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर हो, चाहे डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, हर एक ने इस पे फोन नंबर अपने दिए हुए हैं। जो हमारे पास पॉम्पलेट है या सुप्रे शेड्यूल के उस पे लिखा हुआ है, वो उनसे भी बात कर सकते हैं, गैप हम नहीं कहेंगे इसको। बिल्कुल, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे व्यूअर्स ज्वाइन किए हुए हैं और हमारे साथ एक कॉलर भी है, क्योंकि इस गैप को खत्म करने के लिए अगर आप 9906402145 पर कॉल करके पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। जी अपना नाम बताइएगा। जी सर अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम परवेज अहमद है। हमारे साथ जो हॉर्टिकल्चर ऑफिसर इस वक्त मौजूद है लाइव, आप उनसे आपकी जो क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। जी मेरा सवाल एक ही है कि मतलब हॉर्टिकल्चर यहाँ पे मैं सोपोर से रहता हूँ। जी मेरा नाम परवेज अहमद है, मैं सोपोर के अस्पताल में रहता हूँ। जी बताइएगा आप क्या जानना चाह रहे हैं हमारे साथ जो हॉर्टिकल्चर ऑफिसर मौजूद है। मेरा सवाल ये है कि हमारे जो एरिया में हॉर्टिकल्चर आता है उन्हें हमें मतलब यहाँ पे आना चाहिए कि उन्हें कहना चाहिए कि किस टाइम में कौन सी दवाई। जी हमें कोई मालूमात नहीं मिल रही है इन हॉर्टिकल्चरों से कि वो यहाँ पे आए कभी कोई प्रोग्राम रखे कि किस किस टाइम में कौन कौन सी दवाई होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है यहाँ पे। जी बताइएगा सर। सर इनका कहना है कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे पास कोई नहीं आता है, कोई प्रोग्राम नहीं रखे जाते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को सुना नहीं जाता है, उसे सॉल्व करने की कोशिश नहीं की जाती है। कि आखिरकार ऐसा क्यों है, इनका जवाब दीजिएगा जो सोपोर से हमारे साथ कॉलर मौजूद है। देखिए आज इस पेंडेमिक सिचुएशन में हम कहीं भी ट्रेनिंग कम नहीं कर सकते हैं कि लोग एक जगह जमा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमने अपने हमारे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट अफसर हर जोन पे मौजूद होते हैं और अगर उससे ज्यादा भी कोई प्रॉब्लम है उनको तो हमारा चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर है या हमारा डायरेक्टरेट है वो 24 घंटे खुला रहता है इनके लिए, चाहे छुट्टी हो चाहे कुछ भी हो। ये नहीं कह सकते कि हमको नॉलेज नहीं है, नॉलेज है या किसी भी वक्त ये फोन पे हमारा इस वक्त तो हर एक के पास सेल फोन है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसे भी हम लोग उसे मुखातिब हर वक्त होते हैं। जी उसके बाद तो अगर एक छोटा सा सुप्रे शेड्यूल हमने मुरतब किया है वो हम हर एक फार्मर को देते हैं, अब कोई उस पर नहीं चलेगा तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, और वहीं पर आप बताइएगा आप कैसे मॉनिटर कर रहे हैं मार्केट में अगर कोई डुप्लीकेट पेस्टिसाइड बेच रहा है, किस तरह से मॉनिटर किया जा रहा है, किस तरह से उन पर कार्रवाई की जा रही है। देखिए हम इस बारे में यही कह रहे हैं कि आप वही दवाई ले लो जो डिपार्टमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है, उसमें अब दुकान आज तो बंद है, अब पता नहीं ये लोग कहाँ से लाते हैं, ये हम डिपार्टमेंट से ज्यादा तरजीह इस डीलर को देते हैं, जो उनको डीलर कहता है वही लगाते हैं, जब उनको प्रॉब्लम होता है उसके बाद हमारे पास आते हैं। प्रॉब्लम से पहले अगर ये आएंगे कि आज कौन सा दवाई लगाना है, फोन पे कहेंगे, हम इनके लिए हर वक्त दस्तियाब होते हैं। जी मान लीजिए कल हम एक कंपनी की बात कर रहे थे, अगर वो कंपनी असली भी होगी ओरिजिनल भी होगी पर उसी कंपनी के नाम पर अगर दूसरा डुप्लीकेट अगर डुप्लीकेट पेस्टिसाइड बेचा जाएगा तो उसको किस तरह से चेक किया जाए, कैसे पता चलेगा कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। उसके बारे में हमारे डायरेक्टर साहब बहुत कोशिश है, वो रात दिन इनको देखते हैं, वो ये खुद उस पर मॉनिटर कर रहे हैं, वो इस दवाई का टेस्ट करेंगे और इसका भरपूर उसका उनको सजा दिया जाएगा। उसने ये भी डायरेक्टर साहब ने इस साल ये भी कहा कि हम उनको PSA लगाएंगे जो ये गलत अद्वियात भेजेंगे। बिल्कुल, और एक और कॉलर मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, उनकी भी कुछ क्वेरी है, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। जी आपका नाम। वालेकुम अस्सलाम, बताइएगा आपकी क्या क्वेरी। मेरा सवाल निशान साहब से ये है कि हमने कल दवाई की थी, हमने कर्सर शेड्यूल के हिसाब से दवाई की थी, तो हमने इसीलिए की थी क्योंकि जो लीव का जो कलर है वो येलो है थोड़ा बहुत, तो मतलब मुझे ये जानना था कि वजह क्या है, लीव क्यों येलो रहे हैं।
जी निसार, आपको सुनाई दिया आप सवाल सर? सर आपको सवाल सुनाई दिया? नहीं नहीं प्रियंका, वहीं से कह दीजिए इनको, क्योंकि वहां की आवाज आ नहीं पहुंचती। बिल्कुल, अपना सवाल दोहराइएगा सर। मेरा सवाल यह है कि हमने बहुत सारी दवाई की है, कर्सर भी हमने लगाए हैं, अवतार भी, मगर इसके बावजूद लीव्स का जो कलर है वो येलो है, वजह क्या है इसकी? जी बिल्कुल, इनका आपसे सवाल है कि बहुत सारी दवाइयां इन्होंने छिड़की हैं, उसके बाद भी जो लीव का कलर है वो येलो आ रहा है, तो उसके लिए ये क्या करें? देखिए, ये जहाँ का है वहाँ का जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट अफसर है वो देखेगा, येलो कुछ कस्मे है इसमें, मोशिया डिजीज भी है, या किसी पे अगर ये स्केब लगा है तो उस स्केब कंट्रोल होकर वो गिर रहा भी होगा, ये तो वहाँ मौके पर जाकर पता लगेगा, ऐसे हम क्या कह सकते हैं इसको? जी और वहीं पर दर मुजम्मिल हमारे साथ कमेंट बॉक्स पे ज्वाइन किए हुए हैं, जो लिख रहे हैं कि मैं स्प्रे शोल्डर लगा रहा हूं फिर भी सारी मेरी जो पैदावार है वो खराब हो रही है, क्या वजह है? देखिए, पैदावार खराब नहीं, लेकिन हमारे कश्मीर में खासकर हम अपनी डिस्ट्रिक्टों की बात करें, यहाँ पर प्रॉब्लम है पॉलिनेशन की, लोगों ने हर एक ने डिलीशन लगाया जिसमें पॉलिनेशन की कमी है, अब इनको इसमें पॉलिनेशन के दरख्त लगाने हैं, या अगर पॉलिनेशन के दरख्त अब नहीं लगाएंगे तो इनको टॉप ग्राफ्ट करना है, उसमें लगाना है गोल्डन ग्रीनी स्मिथ या गाला मस्त, जो भी हमारे पॉलिनेशन वेराइटीज है उसमें वो जो ग्राफ्ट वुड है वो भी हमारे डायरेक्टर साहब ने इस साल अवेलेबल रखा था, कि अगर जिसको जो भी वेराइटी चाहिए हम उनको देने के लिए तैयार है। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा एक ऑर्चर्ड है जिसमें हम डिपार्टमेंट की हर चीज फॉलो करते हैं, आप देखिए इसमें कैसे है, यहाँ पर फ्रूट कैसा है और साफ है, और हर चीज को हम देख रहे हैं ताकि लोगों को ये पता चले कि जो डिपार्टमेंट कहता है और करता भी है, और हम भी इसी पर चलेंगे। जी एक और कॉलर इसी बीच हमारे साथ मौजूद है, जी सर अपना नाम बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बताइएगा आपका क्या सवाल है? मेरा नाम है आरिफ इकबाल धोबी, पटन बारामूला से बोल रहा हूँ मैं। जी बताइए। हम परेशान हो गए, खासकर जब हम अपने बागों में दवाई इस्तेमाल करते हैं, तेल से कोई भी दवा हम इस्तेमाल करते हैं, फिर हम हिसाब जब करते हैं हमें दवाई उनके पैसे भी नहीं आते हम सेबों में, क्योंकि इस वक्त हम अपने बागों में नजर मार रहे हैं बिल्कुल, यानी कि स्केब से वो तमाम भरे और पत्ते भी निकल रहे हैं इसी दवा की वजह से, क्योंकि हमारे मार्केट में सिर्फ डुप्लीकेट दवाई आती है। जी आरिफ हमारे साथ बारामूला के पट्टन से फोन लाइन पर ज्वाइन किए हुए हैं, जिनका ये सवाल है कि हम दवाइयां इस्तेमाल कर रहे हैं पर स्कैब हो रहा है, और पूरी तरह से जो तमाम जितनी भी दवाइयां इनके वहां पर मौजूद है इनके इलाके में सब की सब डुप्लीकेट है, कोई एक्शन लेने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए ऐसा ये नहीं कह सकता है कि यहाँ दवाई डुप्लीकेट है, आप देख रहे हैं जब हम टेस्ट कर रहे हैं सब ठीक है, लेकिन इसमें यही प्रॉब्लम है, अगर ये हमारे अगर इसको ऐसा लगा ये हमारे पास आए वो बिल लेकर कौन कौन सा दवाई लगाया, हम देखेंगे कहाँ से लाया उसने और कौन सी दवाई कब लगाया। मगर सर जी एक सवाल और है मुझे, क्योंकि हमारा ऑफिस खुला रहता है, महीने में दरख्तों में पत्ते गिरते हैं, हमें आज ही पत्ते गिर रहे हैं दरख्तों से। इनका कहना है कि जो पत्ते हैं वो गिरते रहते हैं और उसका कुछ सलूशन इन्हें नहीं मिल पा रहा है। देखिए पत्ते उसी पेड़ के गिरेंगे जिस पे स्केब लगा हुआ, अब स्केब उसको कंट्रोल हुई है और वो पत्ते गिर रहे हैं। जी और दूसरा ये है कि ये पटन में जो नेसुप बेल्ट है ये तो पाइन इलाका है, इसमें उन्होंने जो ये पानी का निकास करना है सबसे पहले उनको अपने बागों को साफ रखना है, जो भी ये पानी जमा होता है ये थ्रू ड्रेनेज उनको निकालना है ताकि इनके बाग साफ रहे और फिर इनको जो मेवा है वो भी साफ रहेगा। तो बहुत सारे व्यूअर्स इससे हमारे साथ वादी कश्मीर से ज्वाइन किए हुए हैं, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर के हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हमारे साथ है, कोशिश है इस पेंडेमिक के दौरान आप नहीं पहुंच पा रहे हैं उन तक, आपके सवाल नहीं पहुंच पा रहे हैं, जेके न्यूज पॉइंट आपके सवाल और जवाब जो है ढूंढने की कोशिश करेगा। जी एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, अपना नाम बताइएगा। आप आवाज सुन, जी अपना नाम बताइएगा। हाँ मेरा नाम शौकत अहमद है। शौकत अहमद जी बताइएगा आप क्या सवाल हॉर्टिकल्चर ऑफिसर से करना चाहते हैं? जी प्रियंका जी, सबसे पहले मैं
ये कहना चाहूंगा जो ये मेडिसिन हम इसको जो दवाइयां लगा रहे हैं इस बागा तो मुझे लगता है कि सब इसी फॉल्ट सब इसी दवाई में है जो मिलावटी आ रहा है जो असर नहीं कर रहा है बाग को, तो इसलिए हम बहुत परेशान है बाग मालकान जो इस वक्त बहुत सफर कर रहे हैं और वो सफर इसलिए कर रहे हैं मुझे लगता है कि दवाई में बहुत प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल, हमारे साथ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर लगातार फोन किए हुए हैं। जी सर, इनका सवाल आपसे ये है कि ये जानना चाह रहे हैं कि जो दवाई ये छिड़क रहे हैं पूरी तरह से उसमें मिलावट है, मौसम की मार तो एक तरफ है पर दवाइयों की जो मार अपने हाथों से कर रहे हैं उसका ये क्या करें, क्योंकि बहुत सारी मिलावट है जिसकी वजह से तबाही इनके बागों को हो रही है। खैर, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर से हमारा संपर्क टूट गया है, कोशिश करेंगे इसी तरह से जो लाइव प्रोग्राम फोन इन प्रोग्राम आप कॉल्स पे हमारे साथ ज्वाइन कर सके और आपकी जो क्वेरीज है वो सारी हम सॉल्व कर सके, पूछ सके हॉर्टिकल्चर ऑफिसर से, और इसी तरह से फोन लाइन प्रोग्राम्स आपके लिए जेके न्यूज पॉइंट लाता रहेगा और कॉल के जरिए घर बैठे बैठे आप अपनी क्वेरीज सॉल्व कर सकते हैं। और इसी के साथ लूंगी इजाजत, देखते रहे जेके न्यूज पॉइंट।